अभी हमारा रात। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है यशवा की बारात और हम लोग तैयारियां कर रहे हैं। बहुत सारी तैयारियां हैं कि जो हमें करनी है। पार्लर जाना है और मेहंदियाँ लग रही हैं। मैंने तो नहीं लगाई क्योंकि मुझे अच्छी नहीं लगती है। मेहंदी लग रही है, तैयारियाँ चल रही हैं, कपड़े प्रेस हो रहे हैं और दुल्हन की बहन, दूल्हे की बहन की अभी तक मेहंदी नहीं लगी। आप देख सकते हैं मेहंदी लग रही है। रुहा मेहंदी दिखाओ, नीनाबाजी मेहंदी दिखाओ। जूजू आप क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। तैयार नहीं होना? नहीं। ओके। तो गाइस एंड टाइम पे हमारे जो दूल्हा साहब हैं वो शेरवानी की चादर ट्राई कर रहे हैं और वो अच्छी भी नहीं बनी है, लेकिन यशवा इसे कैरी कर लेगा, है ना? कैसे ट्राई करेगा बताओ जरा। यशवा ऐसे लेके चले जाना, बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो देख के स्माइल पास कर दो बस। ये तो गाइस हमारे दूल्हे का सहरा रह गया था जो कि फूलों वाला फ्रेश बनना था, तो मैं और डेनिस वो बनवाने आए हैं और फिर वो बनेगा और फिर हम घर लेकर जाएंगे और हमारे दूल्हे साहब तैयार होंगे। तो अभी हम दुकान में घूम रहे हैं और देखते हैं कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं, फिर डिसाइड करके फिर लेके जाएंगे। और गाइस हमारी ये मटकियाँ भी रह गई थी जो कि हमने लेनी थी और अभी हम यहाँ पसंद करके और फिर ले रहे हैं। तो गाइस दूल्हे की पुप्पो तैयार होकर आ गई है और उसकी बड़ी मामा भी तैयार होकर आ गई हैं और मैं आपको और भी सबकी तैयारी दिखाती हूँ। मैं खुद तो अभी तक तैयार नहीं हुई इसलिए शक्ल नहीं दिखाऊंगी। और ये देखें यहाँ तैयारी चल रही है। सुंदर कह रही है किसका मेकअप? नीनाबाजी का, जो कि नीनाबाजी दिख ही नहीं रही है। सुंदर कब तैयार होना? जब इन सबको फारिग करें। ओके ठीक है। और अम्मी भी तैयार हैं और मामी हेलो कर दे। हाँ मैं व्लॉग में पहली बार आई हूँ। और बीला आंटी भी तैयार है, बीला आंटी को मेकअप मैंने किया। डेब्रा हाय, तैयार हो? बिल्कुल। वाह भाई डेब्रा के तो शूज भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो गाइस दूल्हे की बहन भी तैयार होके आ चुकी हैं। बहुत टाइम लगाया है। नहीं जी, हम लोग तो गाइस अब मेरी बारी है मेकअप की और मेरा मेकअप कर रही है रुहा भाई और मेरा मेकअप हो रहा है। मैं रेडी हो रही हूँ और फिर मैं आपको फाइनल लुक बाद में दिखाती हूँ अपना। जब तक हम तैयार हो रहे थे तब तक ये मटके भरने की रस्म हो रही थी जो कि हमारे पंजाबी लोगों में होती है। गाइस देखिए मैं रेडी हो चुकी हूँ, बस अब मेरे बाल रह गए हैं, मेरा मेकअप ज्वेलरी सब हो चुका है, अब मेरे बाल रह गए हैं और अभी हम बाल बनाएंगे फिर आपको फाइनल लुक दिखाएंगे। और सुंदर भी ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी हैं, सुंदर को हेल्प कर रही हैं सुमन। सुमन रेडी होकर आई है, सुमन अपने घर से रेडी होकर आई है। हमारी तैयारियाँ नहीं खत्म हो रही, सुंदर बाजी तो बहुत गुस्से में लगी हुई है। और देखें मैं जो है वो फिलहाल चिलूँ, बाद में का नहीं पता कि बाद में कैसा मूड होता है फिलहाल। और देखें हमने ये कितना मेस किया हुआ है यहाँ पे बहुत सारा। तो गाइस जाते हुए भी हमारा शूट नहीं ख़त्म हो रहा है। ये देखें ये शूट के लिए हम सारे खड़े हैं और कि हम अपना अपना शूट करवाएं और फिर हम बारात के लिए निकले। हम गली में जाके कर नहीं सकते। आकाश के बाल ही नहीं खत्म हो रहे हैं, आकाश बाल बना रहे हैं। खत्म नहीं हो रहे आकाश के बाल, खत्म हो गए पहले आयरन किया खत्म, कैसे खत्म हो गया पता नहीं। स्टाइलिंग तो खत्म हो गया और कब हम जाएंगे, हम ऑलमोस्ट तैयार हैं, बस बना जाएंगे। तब हमारी बारात निकलने के लिए तैयार है, अब हम बारात के लिए निकलेंगे। बैठ जा, बैठ जा।
बहुत सीरियस होकर बुराइयां कर रही हैं दोनों बहनें। तो हम पहुंच गए अपनी बारात लेकर और दूल्हे को लेकर पहुंच गए हैं और अब हम अंदर जाने की तैयारी कर रहे हैं। सहरा पहना रहे हैं लड़के को ताकि वो अंदर जा सके खूब ढोलों के साथ। यहाँ बारात का रास्ता रोका जा रहा है और हमसे 25,000 मांगे जा रहे हैं। और गाइस मैं बहुत पीछे थी, मुझे बस ये समझ नहीं आया कितने पैसे हमने दूल्हे की साली को दिए, लेकिन दूल्हे की साली ने रास्ते रोकने के लिए हमें सिर्फ 25,000 हमसे मांगे और पता नहीं कितने दिए हमने कितने नहीं दिए। और बस इसी बहस में हम काफ़ी देर खड़े रहे बाहर ताकि उनकी मांगे पूरी की जाएँ और फिर हम अंदर जाएँ। तो अब फाइनली देखते हैं कि क्या होता है, मुझे भी नहीं पता क्योंकि मैं पीछे खड़ी हुई थी कितने में मांगते हैं क्या होता है क्या नहीं। लेकिन बस अब हमें जाने दो यार, अंदर बहुत देर हो गई है, हम थक गए हैं बहुत ज़्यादा डांस कर करके करके। तो मामू पैसे गिन रहे हैं जेब से निकाल कर ताकि इनको पैसे दिए जाएँ और इनकी मांगे पूरी की जाएँ और हमारे दूल्हा साहब अंदर जाएँ। और बस ये मामू ने पैसे दे दिए हैं इनको और अब हम अंदर जा रहे हैं। तालियां। मैं तो बेव करा रहा कोई नाकला बड़ा। Thank you.
खत्म करो सपना खोती है टाइमिंग में नहीं है भाई दूल्हा वैसे ही आप लोगों को पता है जो है ना बहुत ज्यादा जो है ना कैशलेस चलता है दूल्हा की दरवाजे होते हैं भाई तो आपको पता था तो वो घड़ी आ गई जिसका हमें बहुत इंतज़ार था खाने का, क्योंकि बहुत भूख लगी हुई थी डांस करके, बहुत बुरा हाल था। इतना डांस करने के बाद फिर खाना तो बनता है, तो फिर हमने खाना खाया।
तो हमारी भाभी फाइनली हमारे घर आ चुकी हैं और हम उनके आने की खुशी में बहुत पागलों की तरह डांस कर रहे हैं और फूलों की पत्तियां लेकर खड़े हैं कि हम उनको इस्तकबाल करें, वेलकम करें अपने घर में। और मैं आपको जो है हमारे इस्लामाबाद से गेस्ट आए हैं, मैं उनसे मिलवाती हूँ, उनसे पूछते हैं कि उनको कराची की शादी कैसी लगी। फाइनली बस फिर आज शादी खत्म हो गया, वलीमा रह गया 12 का, तो फिर क्या कहना है आपका, खुशी का इजहार करें। आपने हमें पैसे नहीं दिए, आपने हमें पैसे देने थे, कब दोगे? इधर ही हो ना, दोगे ना, याद है ना? गाइस मैं आपको दिखाऊंगी इसने कितने पैसे दिए, ठीक है ना? और मिलते हैं भाई से। भाई आप इस्लामाबाद से आए हैं, बताएं आपको कराची की शादी कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी। अच्छी थी? काफी डिफरेंस है यहाँ का, वहाँ का। वहाँ पर सारे हमारे फंक्शन डे टाइम होते हैं, यहाँ पर नाइट भी होते हैं। नाइट होते हैं, लोग सोते हैं, नाइट पे फंक्शन करते हैं। हमारे यहाँ दिन में लोग सोते हैं। 2:03 हो रहे हैं, तो हम अभी वापस आए हैं। अभी वापस आए हैं, सुबह हम सोएंगे। और वलीमा भी हमारा रात का ही है, वो भी दिन का नहीं है, वो भी आप मेरे ख्याल से उस रात में भी आप 3-4 फ्री होंगे। रात को दिन बनाया हुआ, दिन को रात बनाया। लेकिन एंजॉय की ना आपने हमारे साहबों की शादी, क्योंकि हमारे ननिहाल में पहली शादी थी, तो हमने बहुत एंजॉय की। और मेरे ख्याल से हमने कोशिश की आप भी एंजॉय करें, आपने बहुत एंजॉय किया होगा। और दुल्हन की दूल्हे की बहन बताएं कितना मजा आया आज आपको शादी में? बहुत मजा आया, लड़की हम ले आए, हम बहुत खुश हैं। बहुत खुश है ना, सुकून है, बहुत सुकून है। क्या वलीमे के बाद सुकून होगा? वलीमे के बाद भी कुछ टाइम बाद बहुत खुश है, हमने बहुत जश्न। और ये दूल्हे के भाई आ रहे हैं, सुपर खुश हो ना? कितना कम अभी? अभी थोड़ा थोड़ा कम खुश आई है, लेकिन वलीमे पे ज्यादा खुश है। अभी भी हमारा डांस रहता है। आज का व्लॉग यहीं खत्म होता है, बाय बाय टाटा, मिलते हैं अगले व्लॉग में।